बीते दिनों वादी द्वारा साइबर थाने में फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही को अंजाम देते हुए दो विदेशी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें फर्जी चैट भी पुलिस को प्राप्त हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में वैधानिक कार्यवाही में जुटी हुई है। विदेशी है और ये फ्रॉड करते थे, किस तरह से लोगों को पता है, क्या देखिए, साइबर थाने पर मुकदमा संख्या 9/24 रजिस्टर किया गया था, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उन्हें कुछ जूट के बैग की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन सर्च किया तो उन्हें एक भीमराज इंडस्ट्री नाम की फर्म मिली, जिसे संपर्क करने के बाद इंडस्ट्री ने उन्हें ऐसा वादा किया कि उन्हें सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी के जूट बैग देगी, जिसके द्वारा फर्म द्वारा उनसे लगभग 8 से 9 लाख रुपये लिए गए और कोई सामान सप्लाई नहीं किया गया। जब साइबर थाना टीम को ये तहरीर मिली, उसके बाद जांच शुरू हुई। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि साइट कौन ऑपरेट कर रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, तो जानकारी मिली कि गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले दो कैमरून मूल के निवासी, जो बेसिकली ये फर्म के नाम से ऑपरेट करते थे और अलग अलग लोगों से अलग अलग बातों का झांसा देकर ये बेसिकली इस तरह का फ्रॉड करते थे। कुछ हमें चैटें मिली हैं इनकी फ़ोन से, जिससे पता चला है कि ये कॉपर, एल्यूमिनियम और भी अनेक वस्तुओं के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। अभी तक की जानकारी से पता चला है कि लगभग 14 से 15 करोड़ का तो इन्होंने जो धोखाधड़ी है अलग अलग लोगों के साथ किया गया है। इनके पास से एक ओडी कार, लैपटॉप, फ़ोन, राउटर और 3 सीले बरामद हुई है, जो कि फर्म का यूज़ करते थे और ये दोनों ही रहने वाले कैमरून के हैं। अभी देखिए, कैमरून में कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस कारण यूएन रिफ्यूजी कार्ड प्रोवाइड करती है, इंडिया भी उसका मेंबर है, तो उसी के आधार पर ये लोग एजुकेशन के लिए इंडिया में आए थे और अभी ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 17A में रह रहे थे। ये जो हमारे जो दो लोग आपके सामने आप देख सकते हैं, इनमें से एक व्यक्ति पिछले 6 महीनों से इंडिया में है, जो इनके द्वारा बताया गया, दूसरे व्यक्ति लगभग 3 साल से इंडिया में रह रहे हैं। अभी माननीय न्यायालय के सामने इन्हें प्रस्तुत किया जाए। क्या इनके ग्रुप में कोई और भी लोग शामिल हैं? देखिए, अभी तक जानकारी में यही दो लोग हमें सामने आए हैं, बाकी एफएसएल को इनकी डिवाइसेस भेजी जा रही हैं, जो भी सूचनाएं आगे हमें मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।